यस वेलकम टू हिंदी बोर्ड एकेडमी। आइए सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, वो भी हिंदी में। एक्सरसाइज 4.3 पॉइंट द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरण है, इनको सॉल्व करना है। द्विघात सूत्र का मतलब श्री धराचार्य मेथड, आचार्य विधि। इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। यहाँ पे d होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी विविध कर। फर्स्ट क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से तुलना करने पर ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस 3, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 5। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डी निकाल लेंगे, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी की वैल्यू माइनस 3 है, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 ए कितना है 2, सी कितना है माइनस 5। ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, 4 टू या 8, 8 5 तो 14, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 49। अब फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। इट गिव्स माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 49 अपॉन 2 इंटू ए। ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट 7 अपॉन 4 एक्स इक्वल्स टू। अब यहाँ पे दो साइन है, प्लस साइन और माइनस साइन। ये पॉजिटिव साइन लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, टेकिंग पॉजिटिव साइन। ये पॉजिटिव साइन लेंगे उसको अल्फा मान लेते हैं, तो 9 केवल प्लस साइन देखा जाएगा, प्लस 7 अपॉन 4, 9 और 7 होते 14 अपॉन 4 यानी कि 4। और जब नेगेटिव साइन लेंगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, तो बीटा निकलता है। तो 9 अब केवल माइनस लिखेंगे, प्लस साइन छोड़ देंगे, ये प्लस भूल जाएंगे है ही नहीं, ओनली माइनस साइन विल बी टेकन। तो 9 माइनस 7 अपॉन 4, 9 माइनस 7 कितना होता है 2 होता है अपॉन 4, 2 बन जा 2 टू जा तो 1 अपॉन 4। तो यहाँ पर x की दो वैल्यू आई, इन्हीं को बोलते हैं रूट्स। तो x इक्वल्स टू 4 कॉमा 1 अपॉन 4, दैट इज आंसर। इसी प्रकार ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये और ये। अब देखते हैं रूट वाले क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस सिक्स इक्वल्स टू जीरो। यहाँ तुलना कर देंगे फिर अगेन वही, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो से ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स तो बेकार है, बी इक्वल्स टू टू रूट टू, और सी की वैल्यू बचा हुआ सी, सी कितना माइनस से माइनस का 6। ये तो हो गई ए बी सी की वैल्यू। अब डी निकालेंगे, डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी। बी स्क्वायर का मतलब ये 2 रूट 2 माइनस 4, ए कितना है 1, सी की वैल्यू माइनस 6। अब 2 रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस 6, 4 जा 24, 4 टू जा 8, 8 प्लस 24 कितना होता है 32। ये तो डी की वैल्यू निकल आई। अब फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, एक्स इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, ये है 2 रूट 2 प्लस माइनस अंडर रूट, टी की वैल्यू 32 है अपॉन में 2a, ए का वैल्यू कितना है 1,
इट गिव्स माइनस का टू रूट टू प्लस 32 को सॉल्व कैसे करेंगे? 32 का मतलब होता है 4 इंटू 8, तो 4 का तो स्क्वायर रूट निकल आएगा। थर्टी टू का मतलब 16 इंटू टू, अब 16 का तो रूट निकल आएगा 4, ये रूट टू फंस जाएगा, इसको लिख लें 16 इंटू टू अपॉन में 2 माइनस 2 अंडर रूट 2। प्लस माइनस, अब ये तो 4 बाहर आ जाएगा, ये रूट फंस जाएगा रूट 2 अपॉन 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो अंदर बचेगा माइनस का रूट 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, एक्स इक्वल टू दिस। तो यहाँ से जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो अल्फा निकलेगा, नेगेटिव साइन लेंगे तो बीटा निकलेगा। पॉजिटिव वाले अल्फा मान लेते हैं तो केवल देखा जाएगा पॉजिटिव साइन, ये माइनस साइन छिपा देंगे, इससे कोई मतलब तो क्या मिलेगा? माइनस का रूट 2 प्लस का 2 रूट 2। अब यहाँ से रूट 2 ले लें कॉमन तो अंदर बचेगा माइनस 1 प्लस 2। अब 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, रूट टू इंटू 1 यानी कि अंडर रूट 2। तो अल्फा की वैल्यू निकल आई। ऐसे जब बीटा निकालेंगे तब इस माइनस साइन प्लस साइन को भूल जाएंगे, अब केवल माइनस साइन देखा जाएगा, ये प्लस वाला कोई मतलब नहीं है। तो माइनस का रूट 2 माइनस का 2 रूट 2, यहाँ पे रूट टू कॉमन ले लें, अंदर बचेगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3 रूट 2, यही एक्स की वैल्यू है। एक्स इक्वल्स टू आ गया रूट 2 कॉमा माइनस का 3 रूट 2। तो ये रूट वाले हो जाएंगे, ये भी रूट वाला ऐसा ही हो जाएगा। अब देखते हैं ये इफ फ्रैक्शन हो, लिखा है 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, ना जो अपॉन में कुछ भी लिखा हो, फ्रैक्शन लिखा हो, तो सबसे पहले फ्रैक्शन को देखेंगे। यहाँ पे 2 है और कहीं कुछ भी नहीं है, मामला साफ है, तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही इसका बेस्ट मेथड है। तब 2 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 से तो कट जाएगा, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ मिलेगा 2 अंडर रूट 11 एक्स प्लस 2 वन जा 2, फिर 0 का इंटू 2 0 हो जाएगा, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 मिलेगा ना। अब तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, कंपेयर कर दें इसकी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 से तुलना करने पर ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 रूट 11, सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला याद होना चाहिए,
फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। अगर ऐसे दिक्कत होती है तो ऐसे याद रख करेंगे, अलग अलग अल्फा की वैल्यू अलग याद करो, बीटा की वैल्यू अलग। अल्फा इक्वल्स टू होता है माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन टू ए, बीटा की वैल्यू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन टू ए। ए भी सही मेथड है, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे ए बी सी की। ए कितना है वन, तो सबसे पहले डी निकाल लेते हैं अलग से। डी इक्वल्स टू होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ये, तो माइनस टू का स्क्वायर फोर, रूट का स्क्वायर करेंगे तो केवल ग्यारह बचेगा माइनस फोर। ए कितना है वन, सी कितना है टू। अब यहाँ तो ये हो जाएगा इलेवन फोर जा फोर्टी फोर माइनस फोर टू जा एट, ये मिलेगा थर्टी सिक्स। अल्फा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का टू रूट इलेवन प्लस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है थर्टी सिक्स अपॉन ट्वाइस ए, ए का इतना है वन, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस टू रूट इलेवन प्लस सिक्स अंडर रूट थर्टी सिक्स, सिक्स होता है अपॉन टू। अब ऊपर से टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा रूट इलेवन प्लस थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो रूट इलेवन प्लस थ्री ऐसे ये वाला क्वेश्चन करेंगे। माइनस बी की वैल्यू माइनस का टू रूट इलेवन, अब माइनस बी की वैल्यू रखेंगे थर्टी सिक्स, मिलेगा केवल सिक्स अपॉन ट्वाइस इंटू वन, माइनस कॉमन लेंगे तो बाहर हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा माइनस टू कॉमन ले लें सीधे सीधे, तो रूट इलेवन प्लस थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट, अब यहाँ भी रखेंगे वैल्यू बीटा इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है माइनस का टू रूट इलेवन माइनस, ये मिल जाएगा अंडर रूट थर्टी सिक्स, डी की वैल्यू थर्टी सिक्स है अपॉन टू इंटू वन, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस टू रूट इलेवन माइनस सिक्स अपॉन टू, ऊपर से टू कॉमन ले लेंगे तो बचेगा रूट इलेवन माइनस थ्री अपॉन टू, टू से टू कैंसिल आउट, तो बीटा इक्वल्स टू मिलेगा रूट इलेवन थ्री। तो यही एक्स की वैल्यू है, एक्स इक्वल्स टू रूट इलेवन प्लस थ्री कॉमा रूट इलेवन माइनस थ्री। एक और क्वेश्चन करते हैं एलसीएम के बेस पे, जैसे लिखा एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस फोर एक्स अपॉन फाइव और प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, इसके लिए क्या करेंगे अपॉन में थ्री और फाइव है, थ्री और फाइव का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर हर में जो लिखे हैं थ्री और फाइव, एलसीएम होता है पंद्रह, पूरी इक्वेशन में हर जगह पंद्रह से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी पंद्रह से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा और यहाँ भी, थ्री फाइव या फिफ्टीन, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन थ्री प्लस टू एक्स ओवर फाइव माइनस वन इक्वल टू जीरो, इस बार यहाँ थ्री और फाइव है अपॉन में, थ्री और फाइव का एलसीएम लेंगे, थ्री और फाइव का एलसीएम होता है पंद्रह, ये एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम से हर जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं, पंद्रह से मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, यहाँ भी पंद्रह से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी पंद्रह से, हर जगह मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, थ्री फाइव या फिफ्टीन,
ये 5 3 15, तो ये इट बिकम्स 5x² + 3 2 6x माइनस 15 बन जा 15 इक्वल्स टू 0 × 15 जीरो ही हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेंगे, ax² + bx + c = 0 से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 6, c की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 15। अब d फाइंड करेंगे, d इक्वल टू होता है b² - 4ac, b की वैल्यू कितनी है 6, 6² = 36 - 4, a कितना है 5, इंटू सी कितना है 15 - 15, तो ये हो जाएगा 36 - 15 = 60, 15 × 4 = 60, 65 + 300, मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए जल्दी से, या ऐसे करेंगे 5 × 20 = 20 × 15 = 30, और एक जीरो चिपका देंगे तो ये 336 हो जाएगा। ये डी की वैल्यू है, इसका फैक्टर करेंगे क्या आएगा, 2 से कट करेंगे, 2 1 2 2 6 12 2 8 16, 2 से कट करेंगे 2 8 2 4 2 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 जरूरत पड़ेगी ना, अब इसकी x इक्वल टू होता -b + -√b/2 है, तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी है 6 प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 336 / 2a, ए कितना है 5, इट बिकम्स -6 + -√36 √336। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पेयर बनाएंगे, एक पेयर इसका एक पेयर इसका, यानी 4√21 अपॉन 5 × 10, जब प्लस साइन लेंगे तो अल्फा निकलेगा, अल्फा इक्वल्स टू -b + √d/2a, तो ये हो जाएगा -6 + 4√21/2 10, बीटा हो जाएगा -6 - 4√21/10, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो -3 + 2√21/10, 2 5 10 -3 + 2√21/5, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -3 - 2√21/5, दैट्स इट। यही एक्स की वैल्यू है -3 + 2√21/5, -3